अक्सर आपने लोगों को कहते सुना होगा, यार पैसा तो बिजनेस में है और बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी लोग रिस्क लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और अपना खुद का सोचा हुआ बिजनेस शुरू करते हैं। इसके लिए छोटी ही सही कंपनी की शुरुआत करना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि आगे चलकर आप जब अपने बिजनेस को बढ़ाने की सोचेंगे तो अपनी खुद की कंपनी का होना बहुत जरूरी है। और आज क्विक सपोर्ट आपको पूरी केस स्टडी के साथ ये बताएगा कि कैसे शुरू करें अपनी खुद की कंपनी। तो चलिए जानते हैं। अगर आपका कोई जानने वाला रिश्तेदार, दोस्त या कोई परिचित व्यक्ति पहले से ही कोई बिजनेस कर रहा है तो सबसे बेहतर होगा कि आप उसके एक्सपीरियंस से सीखें। आप चाहे तो किसी कंसल्टेंसी या बिजनेस फर्म की हेल्प भी ले सकते हैं। किसी भी बिजनेस को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, जिनमें फीस भी जमा करनी होती है। वो पूरी स्टेप्स को आसान शब्दों में पूरी केस स्टडी के साथ आपको बताएगा कि आप कैसे अपनी खुद की कंपनी रजिस्टर कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिए इन सभी बातों को। पहला स्टेप है DIN, डिन बनवाना। कंपनी शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी कि DIN के लिए आवेदन करना होगा। DIN मिलने में करीब 1 से 2 दिन का टाइम लग सकता है, जिसके लिए थोड़ी फीस भी लगती है। DIN के लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट www.mca.gov.in पर जा सकते हैं। वहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी और फॉर्म सबमिट करने का प्रोसेस दिख जाएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो गूगल पे सर्च कीजिए व्हाट इज DIN। आपको mca.gov.in का एक लिंक मिलेगा और उसे खोलते ही आपके सारे सवालों के जवाब और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट आपको दिख जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप अगर आप चीजों को पढ़ते जाएंगे तो अपने आप चीजें आसान होती जाएगी। बस इतना समझ लीजिए कि कोई भी कंपनी चलाने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती है और ये DIN उसी के लिए है। दूसरा स्टेप है डिजिटल सिग्नेचर के लिए अप्लाई करना। DIN मिलने के बाद आपको ऑनलाइन अप्लाई करके डिजिटल सिग्नेचर का सर्टिफिकेट लेना होता है, जिसके लिए आपको 400 रूपए से लेकर के 2700 रूपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर आपके हाथ से किए हुए सिग्नेचर का डिजिटल वर्जन होता है, जिसकी जरूरत आपको हर वक्त अपनी कंपनी चलाते हुए पड़ेगी। इसके बाद बारी आती है कंपनी के नाम को रजिस्टर कराने की। हमारा नाम हमारी पहचान बने, इसके लिए आपको कंपनी का नाम डिसाइड करना होता है, जो किसी और दूसरी कंपनी से मिलना नहीं चाहिए। इसलिए आपको नाम के 3-4 ऑप्शन सोचने पड़ेंगे। एक कंपनी को रजिस्टर करवाने के पूरे प्रोसेस में आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की कई बार जरूरत पड़ेगी। इसके लिए आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स पर अप्लाई करना होगा, जिसमें 2 दिन का समय लग सकता है। कंपनी का नाम रजिस्टर करवाने में 1000 रूपए की फीस आपको देनी पड़ती है। कंपनी का नाम रजिस्टर हो जाने के बाद आपको कंपनी के लिए रबर स्टैम्प भी बनवाना पड़ेगा, जिसका खर्चा बहुत ज्यादा हुआ तो 500 रूपए आएगा। स्टैंप या सील बन जाने के बाद आपको स्टाम्प ड्यूटी भरनी होती है, जो ऑनलाइन किया जाता है। कंपनी को शुरू करने के लिए कुछ जरूरी फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स भी ऑनलाइन जमा करने होते हैं। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 7 दिन का वक्त लगता है और साथ ही करीब 25,000 रूपए तक का खर्च आता है, जो कम या ज्यादा हो सकता है। इस बारे में अगर आपको कोई जानकारी नहीं है तो सबसे पहले एक CA को हायर करें, जो आपको इस काम में गाइड करेगा और आपके बिहाव से सारा काम कर देगा। हो सके तो किसी CA से टाइप कर लीजिए, जिसकी जरूरत आपको हर वक्त पड़ती ही रहेगी। इसके अलावा भी कंपनी के नाम पे आपको एक पैन कार्ड भी बनवाना होता है, जो आपको पैसों के लेन देन में काम आएगा। और कंपनी जब एस्टेब्लिश्ड हो जाएगी तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में काम आएगा। पैन कार्ड बनवाने में करीब 7 दिन का समय लगता है और करीब 100 रूपए तक का खर्च आता है। पैन कार्ड लेने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से टैक्स अकाउंट नंबर लेना होता है, ताकि समय पर टैक्स जमा किया जा सके। इस पे ज्यादा खर्च नहीं होता है। गूगल पे 10 रजिस्ट्रेशन सर्च करते ही, यानी कि TAN रजिस्ट्रेशन सर्च करते ही, आपको NSDL की वेबसाइट लिंक मिल जाएगी, जहां 10 से जुड़ी जरूरी जानकारी और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपको दिख जाएगा। अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के MCA सर्विस टैब के अंदर इंक्वायर फीस सेक्शन में जाएंगे तो आपको एक फीस कैलकुलेटर भी दिखाई देगा, जहां पर आप ये चेक कर सकते हैं कि कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको टोटल कितनी फीस भरनी पड़ेगी। कंपनी के लिए एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी होना चाहिए। जब आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन डालेंगे, तब आपको एक रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस भी देना होता है। ऑफिस एड्रेस इसीलिए देना जरूरी है ताकि आप बता पाएं कि आपकी कंपनी कहां से ऑपरेट कर रही है और लोग आपसे कहां कम्युनिकेट करेंगे। साथ ही कोई डॉक्यूमेंट, कुरियर या लेटर डिस्पैच करने के लिए एक लीगल एड्रेस भी तो होना ही चाहिए, राइट?
इसके बाद बारी आती है प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन की। अगर आपकी कंपनी में 20 या उससे ज्यादा कर्मचारी हैं, तो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको प्रोविडेंट फंड में रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। EPFO यानी एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन में रजिस्ट्रेशन के लिए 12 दिन का टाइम लग जाता है। हाउ टू रजिस्टर फॉर PFO कंपनी सर्च करने पर unifiedportal.epfindia.gov.in की वेबसाइट आपको दिखाई देगी, जहां पर आपको जरूरी जानकारियां मिल जाएगी। वैसे इस काम में आपका CA आपकी हेल्प कर सकता है, इसलिए कंपनी रजिस्ट्रेशन के पहले ही दिन से आप एक लीगल एडवाइजर या लॉयर को रख सकते हैं। PF के बाद आपको अपनी कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस यानी कि ESIC के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसमें 9 से 10 दिन का समय लगेगा। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी कंपनी के ऊपर एम्प्लॉय की बीमारी का ज्यादा कोई खर्चा नहीं आता है, क्योंकि एक मिनिमम फीस देने के बाद ESIC में रजिस्टर्ड कंपनी का एम्प्लॉय और उसके परिवार को मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है। अपने देश में कंपनी रजिस्टर करवाते वक्त कई तरह के ऑप्शंस होते हैं, जिनमें आप चूज कर सकते हैं कि आपकी कंपनी का फॉर्मेट क्या होगा, जैसे प्राइवेट लिमिटेड, LLP या लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, सोल प्रोप्राइटरशिप, वन पर्सन कंपनी और पार्टनरशिप फर्म। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पे क्विक सपोर्ट ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका है, जिसे आप अपनी नॉलेज के लिए चेक कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप की। इस तरह की कंपनी में एक व्यक्ति ही कंपनी का मालिक होता है, और इंडिया में इस तरह की कंपनी रजिस्टर करवाना सबसे आसान काम है। इस तरह की कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट और रजिस्टर्ड ऑफिस प्रूफ या रेंटल अग्रीमेंट की जरूरत पड़ेगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार होने के बाद आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का काम पूरा करवा सकते हैं, और फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा कोई पेपर वर्क नहीं करवाना पड़ता है। कंपनी का सारा प्रॉफिट आपके अकेले का होता है, सिर्फ इनकम टैक्स देना पड़ता है, कोई डबल टैक्स नहीं चुकाना पड़ता। और अब आगे बात करते हैं वन पर्सन कंपनी के बारे में। 2013 के पहले तक इंडिया में एक कंपनी बनाने के लिए कम से कम 2 डायरेक्टर्स की जरूरत पड़ती थी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2013 में एक व्यक्ति के साथ भी कंपनी शुरू करने का अधिकार दे दिया। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुकाबले इसे मैनेज करना आसान है, लोन जल्दी मिल जाता है और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, कंपनी के नाम के अप्रूवल के साथ इसे शुरू किया जा सकता है। इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि MOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यानी कि AOA, प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के सारे फॉर्म्स फाइल करके आप अपना ये काम कर सकते हैं। इसमें भी CA और लॉयर की आपको जरूरत पड़ेगी। और अब आगे बात करते हैं पार्टनरशिप फर्म के बारे में। तो भाई, अगर आपने डिसाइड किया है कि आप अपने बिजनेस में पार्टनर्स रखेंगे, तो इजीएस्ट वे है कि आप पार्टनरशिप फर्म बनाएं। इसके लिए आपको अपने पार्टनर्स के साथ मिलकर के पार्टनरशिप डीड बनवानी पड़ेगी, जिसमें सारे नियम कायदे रहेंगे कि कंपनी कैसे चलेगी और पार्टनर्स अपने बीच प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करेंगे। पार्टनरशिप फर्म खोलना थोड़ा आसान होता है, जिसमें रिस्क सभी पार्टनर्स में शेयर हो जाता है। स्टेब्लिश्ड होने के बाद इस तरह की कंपनी को वाइंड अप या बंद करना भी आसान होता है। कई पार्टनर्स होने से जिम्मेदारियां भी आपस में बंट जाती हैं, लेकिन कंपनी सही से चलती रहे इसके लिए सभी पार्टनर्स की आपसी सहमति जरूरी होती है। तो अब जब आपको क्विक सपोर्ट ने बता दिया है कि आप अपनी खुद की कंपनी कैसे बना सकते हैं, तो देर किस बात की। अगर आपके दिमाग में कोई बिजनेस आइडिया है तो उसे एग्जीक्यूट कीजिए, और अगर किसी और सब्जेक्ट पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है आपने, तो आप हमारे स्मार्ट व्यूअर हैं, क्योंकि दुनिया में वही लोग सबसे आगे रहते हैं जो अपनी नॉलेज बढ़ाने पर काम करते हैं। क्विक सपोर्ट को अपना प्यार और अपना सपोर्ट यूं ही देते रहिए। धन्यवाद।